तो नमस्कार, जय माता दी। हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज शुगर वाले भाई बहनों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं शुगर वालों के लिए करेले की सब्जी बनाने का सही तरीका लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, शुगर में करेले का बहुत महत्व है। करेला शुगर कंट्रोल करने में भी सहायक है। करेले की सब्जी हो, अचार हो या फिर जूस हो, शुगर वालों को इसका सेवन करना चाहिए। दरअसल शुगर वाले भाई बहन करेले की सब्जी और अचार का इसलिए सेवन नहीं करते क्योंकि वह स्वादिष्ट नहीं होता, वह कड़वा बन जाता है। आज मैं शुगर वाले भाई बहनों के लिए ऐसे तरीके से सब्जी बनाऊंगी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होगी और ना ही कड़वी होगी। और करेले की सब्जी बनाने से पहले तमाम शुगर वाले भाई बहनों से विनती करती हूँ, सैर जरूर करें, 45 मिनट सुबह 45 मिनट शाम को, और अपने खान पान का खास ध्यान रखें क्योंकि यह जीवन बहुत ही अनमोल है। अब बनाते हैं करेले की सब्जी जो शुगर वाले को लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, जो बहुत ही स्वादिष्ट होगी और बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी। ये देखिए करेले जो हमने साबुत धोकर रखे हैं, ये देखिए धोकर इनको एक बार सुखा लेना। अब इनको दोनों तरफ से ऐसे काट लेते हैं, ये देखिए दोनों तरफ से काटने, इनको छीलना नहीं, ऐसे ये देखिए ऐसे इनको काट लेते हैं और फिर ऐसे काटते हैं। और ये देखिए ऐसे ही सारे काटने और इनको बिल्कुल भी छीलना नहीं। करेले के छिलके में अनेकों पोषक तत्व होते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से ऐसे काटते हैं और ज़्यादा मोटा नहीं काटना, ये देखिए ऐसे, इसको ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला। अगर बीज पक्का है तो निकाल देना, अगर कच्चा है तो इसमें ही रखना है। ये देखिए ऐसे सारे काटने और ये देखिए करेले की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही फायदेमंद होती है, इसलिए करेले का सेवन करते रहना चाहिए। सब्जी के रूप में कीजिए या फिर अचार के रूप में। देखिए ऐसे सारे काटने हैं, फटाफट काट लेते हैं। देखिए बिल्कुल आसानी से बन जाती है। और ये देखिए जैसे करेले का बीज पक्का है, ये बीज हम अंदर से निकाल देते हैं। ये देखिए ऐसे निकाल देना है, ऐसे सारे बीज निकाल देने, उसके बाद ये करेला काटना है। ये देखिए ऐसे निकाल देने, देखिए बीज सारे निकल चुके हैं। अब इसको काट लेते हैं, ये देखिए ऐसे। और वैसे तो करेले की सब्जी सबके लिए फायदेमंद होती है, सब कोई करेले का सेवन करते रहना चाहिए, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ये देखिए हमारे सारे करेले कट चुके हैं ऐसे। अब करेले काटने के बाद ये देखिए अब हम इस पर हल्का नमक लगाएंगे। ये देखिए ऐसे इसके ऊपर फैला देते हैं। अब इसको ऐसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर देना है। ये देखिए नमक सारे करेलों के ऊपर अच्छे से लग जाना चाहिए। ये देखिए नमक लगाने के बाद जैसे ही करेले के ऊपर नमक लग जाता है, इसको हम 20 मिनट के लिए धूप में रख देते हैं। ये देखिए इनको 20 मिनट के लिए हम धूप में रख देते हैं। धूप में रखने के बाद तब तक सामग्री जान लेते हैं इसके लिए हमें और क्या क्या चाहिए। ये देखिए आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट जो हमने पेस्ट बना कर रखा है, 2 प्याज जो हमने देखे बारीक टुकड़ों में काट के रखी है, ये देखिए ऐसे, ये गरम मसाला, नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और ये अमचूर, और तड़के के लिए सरसों का तेल और ये एक हरी मिर्च जो हमने बारीक काट के रखी है। अब हम गैस ऑन करते हैं और गैस पर एक पैन रखते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, ये देखिए 1 बड़ा चम्मच तेल का डालना है। जब तक हमारा तेल गर्म होता है, ये देखिए करेले जो हमने 20 मिनट के लिए धूप में रखे थे, ये देखिए जैसे हम इनको नमक लगाकर धूप में रखते हैं, ये देखिए इनके अंदर से ये नमक पानी बन जाता है। अब ये पानी हम अलग निकाल देते हैं, ये देखिए, और इनको धोना नहीं है, ये देखिए इनका ये पानी अलग कर देना है। ये देखिए नरम हो जाते हैं, जैसे हम धूप में रखते हैं पानी निकालने के बाद नरम हो जाते हैं। देखिए तब तक हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम करेला डालेंगे। ये देखिए करेले डालने,
करेला डालने के बाद इसको हम अच्छे से ऐसे छलकते हैं अच्छी तरह से। एक मिनट के लिए इसको ऐसे ही छलकते हैं। देखिए एक मिनट के बाद, जैसे एक मिनट हो जाते अब हम इसमें डालेंगे देखिए दो प्याज जो हमने हमारी काट के रखी है। प्याज डालते और ये एक हरी मिर्च जो हमने अभी बारीक काट के रखी है और इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर दो अच्छी तरह से। अभी देखिए दो मिनट ऐसे चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। देखिए आधा छोटा चम्मच डालते, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालते इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर देते हैं। अब हम डालेंगे थोड़ा नमक, नमक बिल्कुल थोड़ा डालना क्योंकि नमक हमने पहले से करेले को लगा कर रखा था। ये देखिए आधा छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर डालते इसको ऐसे ही चलाते और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, अच्छे से ऐसे मिक्स कर देते हैं। अब इसको हम दो मिनट के लिए ढक देते हैं। ये देखिए दो मिनट के लिए ढक देना। अभी देखिए दो मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे लहसुन वाला पेस्ट। ये देखिए आधा चम्मच। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए अब इसको थोड़ा और पकाते हैं। अमचूर भी नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा ऐसे गलने देते हैं। ये देखिए पाँच मिनट के लिए ढक देते हैं। अभी देखिए पाँच मिनट के बाद हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। ये देखिए आधा छोटा चम्मच डालना, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसको ऐसे ही थोड़ी देर और पकाते हैं। ये देखिए हमारे करेले अच्छे से गलने शुरू हो गए, अच्छी तरह से इनको गलने देना। ये देखिए अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए ऐसे काटने से कट जाता है। उसको चलाते रहना है ये देखिए और पानी बिल्कुल नहीं डालना। देखना कितने स्वादिष्ट बनते हैं। अरे देखिए हमारी करेले की सब्जी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट। ये देखिए इसको हम ऐसे काट कर देखते हैं। ये देखिए करेला अच्छे से गल चुका है। ये देखिए सारे आसानी से कट जाते हैं। देखिए अब हम गैस बंद कर देते हैं और परोसते हैं। ये देखिए हमारे शुगर वाले भाई बहनों के लिए छिलके समेत करेले की सब्जी बिल्कुल तैयार है और आप ये एक बार ऐसे ही जरूर बनाइए और देखना यह बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी, बहुत ही स्वादिष्ट होगी, बहुत ही फायदेमंद होगी। और धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए और नई नई जानकारी पाते रहिए। जय माता दोस्तों।